अब देखो यार, इसके टीजर और ट्रेलर को देखने के बाद, इवन इसके अनाउंसमेंट के बाद से ही इसका इतना हाइप हो रखा था, बट ये सीरीज उससे बिल्कुल भी पे ऑफ नहीं करता है। इस सीरीज में इतना पोटेंशियल था कि इफ अच्छे से इसे एग्जीक्यूट किया जाता, थोड़ी नरेशन और स्ट्रांग होती तो बिल्कुल ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहती, बट इस मामले में ये बहुत लैक करती है। यहाँ मेरे को अच्छे से याद है कि 2012-13 के आसपास ये वेबसाइट कितनी एक्टिव थी, जिसे देखो वो ही यहाँ से मूवी डाउनलोड करने के लिए लगा रहता था। बट थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी डालना अच्छा रहता, एज 2022 में टेलीग्राम से मूवी डाउनलोड करना इलीगल है और तुरंत कॉपीराइट आ जाता है। सेम यूट्यूब पे भी वही प्रॉब्लम है और तमिल रॉकर्स अभी बैंड है, बट सारे केसेस 2022 में हो रहे हैं इस सीरीज में, और शुरू दिखाया गया 2006 के अराउंड में हुआ है। थोड़ी तो ऑथेंटिसिटी बनती ही थी जब नाम ही पूरा रियल यूज कर रहे हो आप लोग। तो यहाँ एक अच्छी बात जो बताई गई है कि कैसे ये नेटवर्क काम करता है, कैसे टेररिज्म, डार्क वेब और सारे इलीगल वर्क्स को फंड किया जाता है एक वेबसाइट के थ्रू पायरेसी के कारण।